हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है प्रोस लिविंग इन इंडिया, भारत में रहने 10 के सबसे बड़े फायदे, टॉप 10 प्रोस टू लिविंग इन इंडिया। थोड़ी इंग्लिश में गड़बड़ है पर समझ में आ गया कि क्या फायदे हैं, 10 वो फायदे जो इंडिया में रहने में होते हैं। तो चलो देखते हैं कौन से फायदे बोल रहे हैं, या हमें लगता है कि उससे भी कोई और बड़े फायदे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया जो कि दुनिया का एक बेहद ही ज्यादा महान लेवल का देश है, इंडिया दोस्तों हमारा अपना देश, पूरी दुनिया में कल्चर के लिए, फूड के लिए और कई तरह की दोस्तों खूबसूरत चीजों के लिए जाना ही जाता है। और स्पेशली हमारी डाइवर्सिटी और हमारी हिस्ट्री के चलते तो दोस्तों सभी देशों के लोग हमें पूरी तरह से पसंद करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके चलते हमें बेहद ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलता है इंडिया में रहते हुए, और इंडिया में रहने वाले लोगों को इन बॉस का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलता है। और ये बहुत बड़े फ़ायदे आपको दुनिया के किसी और देश में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेंगे, और ये बड़े फ़ायदे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने देश में ही रहकर मिल सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखनी बनती है क्योंकि वीडियो है हमारे अपने देश की, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखिए। नंबर एक पर नाम आता है दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। यकीनन दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में हम सब तो यही सोचते हैं कि जर्मनी, जापान जैसे देशों में बहुत ही अच्छी ट्रेन्स चलती है, लेकिन ये ना पूरा सच बिल्कुल नहीं है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कई लोग पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देश है। और कुछ बड़ी रिसर्च सर्वेस के अनुसार भी दोस्तों एक्सपर्ट्स का भी यही दावा है कि इंडिया का दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ना सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि बेहद ही ज़्यादा सस्ता है। और साथ ही दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको बसेस हर जगह देखने को मिलेंगी, टैक्सी हर जगह है, ऑटो रिक्शा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इंडिया की सभी ट्रेन्स हर जगह दोस्तों चलती हुई नजर आती हैं सभी लोगों के लिए बेहद ही सस्ते में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते इंडिया में लोगों को कभी फील ही नहीं होता कि उनके पास गाड़ी भी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। नंबर दो पर नाम आता है स्ट्रीट फूड का। यहाँ पर तो बिल्कुल टॉप नॉच, कंपैरिजन बनता ही नहीं है दुनिया के किसी भी देश का हमारे देश के स्ट्रीट फूड के साथ। और दोस्तों स्ट्रीट फूड ही क्यों, इंडिया के फूड के सामने ना दुनिया का हर फूड पूरी तरह से फीका पड़ता है, कम से कम स्वाद के मामले में। दिल्ली का स्ट्रीट फूड दोस्तों दूसरे देश के लोगों को भी बेहद ही ज़्यादा पसंद आता है, और मुंबई के स्ट्रीट फूड को भी कोई भला कैसे बोल सकता है। इंडिया की हर बड़ी सिटी में या फिर छोटे टाउन्स में भी आपको स्ट्रीट फूड का दोस्तों पूरा मज़ा देखने को मिल जाएगा, और ये फूड सारा कमाल है। ऐसा मज़ा दोस्तों दुनिया का आपको बड़े से बड़े देश में देखने को नहीं मिलेगा। नंबर तीन पर नाम आता है दोस्तों डोमेस्टिक हेल्थ का। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारा इंडिया यूरोप से लेकर अमेरिका तक और साथ ही ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सभी बड़ी कंट्रीज को बीट करता हुआ नजर आता है। इंडिया में तो अगर कोई इंसान मंथली 30,000 दोस्तों कमा ले तो वही काम वाली माली, फूल वाला और ड्राइवर को हायर कर लेता है क्योंकि इन सब के लिए आपके 8,000 से 10,000 रुपये ही खर्च होते हैं, और इतने ज़्यादा लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देश में अगर आपको काम के लिए ही कोई इंसान दोस्तों रखना हो, चाहे घर की सफाई के लिए ही, तो उसका ही खर्चा 1.5 लाख तक मंथली हो सकता है, यानी आपकी पूरी कमाई का 70 से 80% तो एक ही इंसान ले जाएगा। इसीलिए दोस्तों उन देशों में ऐसे खर्चे लोग बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में ये सब बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाएगी डोमेस्टिक हेल्प, क्योंकि पॉपुलेशन देश में ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ कम। नंबर चार पर नाम आता है फ्रूट्स का। डेफिनेटली दोस्तों यूरोपियन कंट्री में रहकर अगर आपको सेब भी खाना हो तो 150 से 200 का खर्चा होता है, और इंडिया में तो इतने पैसे में आपको 15 से 20 सेब भी मिल सकते हैं सही सीजन में। फ्रूट्स की दोस्तों बात आई है तो फ्रूट्स का राजा मैंगो
ये तो इंडिया में दोस्तों सभी लोगों द्वारा बेहद ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इंडिया में रहकर आप फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा सस्ते में मजे के साथ खा सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों में दोस्तों फ्रूट खाना आपको बेहद ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि उन देशों में कमाई तो ज्यादा है, भले ही दोस्तों कमाई ज्यादा है लेकिन फिर भी परसेंटेज के हिसाब से वहां पर फ्रूट्स इंडिया के मुकाबले आपको 15 से 20 गुना तक भी महंगे पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल बात ही है, ये इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा इतने सस्ते दाम पर इतनी ज्यादा वेराइटीज के फ्रूट, क्योंकि इंडिया में लगभग हर तरह का फ्रूट देखने को मिलेगा, क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ठंडा ना होने के चलते। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में दोस्तों वेदर इतना ठंडा होता है कि बहुत ही कम फ्रूट्स ही वहाँ हो पाते हैं, इसीलिए महंगे हैं। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है होम डिलीवरी का। होम डिलीवरी का कंसेप्ट तो वैसे दुनिया के हर देश में आज के दिन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंडिया के जैसा होम डिलीवरी का सिस्टम कहीं पर भी नहीं है, यूएसए में भी नहीं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग की ही बात करें तो सामान इंडिया में भी डिलीवर होता है दोस्तों घर पर और अमेरिका में भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया में अगर आपको चीज़ कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना हो तो उसकी पिकअप भी दोस्तों आपके घर से होती है, लेकिन अमेरिका कनाडा इन देशों में अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना हो तो दोस्तों पिकअप आपके होम की नहीं होगी बल्कि आपको खुद जाकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर फूड डिलीवरी ऑप्शंस की भी बात की जाए तो इंडिया में बहुत टाइप की वेराइटीज़ की फूड की आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिलेगी जिसमें सिर्फ 30 मिनट का ही समय लगता है। तो इस मामले में इंडिया बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देश है। नंबर 6 पर दोस्तों नाम आता है लॉयल वाइफ। अगर आपको बेहद ही ज़्यादा सच्ची और बेहद ही ज़्यादा लॉयल दोस्तों लड़की चाहिए अपने साथ शादी करने के लिए तो इंडिया से ज़्यादा बेस्ट कंट्री आपके लिए कोई हो नहीं सकती। आंकड़ों के अनुसार भी दोस्तों पूरी दुनिया में फेथफुल वाइफ के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पर रैंक करता है। इंडिया से ज़्यादा सच्ची और इंडिया से ज़्यादा लॉयल वाइफ आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। यूरोपियन कंट्रीज में दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अनफेथफुल वाइफ मिलना बेहद ही ज़्यादा कॉमन बात है, लेकिन इंडिया में ऐसा हो जाए चांस बेहद ही ज़्यादा कम होते हैं। नंबर 7 पर नाम आता है नेचुरल ब्यूटी का। इंडिया दोस्तों हर चीज़ में तो लगातार आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुदरत ने भी ना यहाँ पर पूरी अपनी खूबसूरती बख्शी है। हमारा महान देश इंडिया दोस्तों इतना ज़्यादा महान है कि यहाँ पर आपको आइस के बड़े बड़े माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, ग्रीनरी के माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। नेचुरल ब्यूटी पूरी तरह से हमारे देश में बड़ी पड़ी है। चाहे आपको डेजर्ट की खूबसूरती देखनी है तो चाहे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से ग्रीनरी देखनी है, सब कुछ इसी देश में मिल जाएगा। तो बड़े बड़े अगर हिल स्टेशन देखने का भी आपको शौक है तो वो भी दोस्तों इसी देश में मिलेगा। कमाल के तरीके से दोस्तों फूलों के बगीचे देखने हैं तो वो भी अपने देश में ही देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको मॉडर्न लेवल की सिटीज देखनी है तो वो भी दोस्तों आज के दिन इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। कुल मिला के एक ही देश में इतनी डाइवर्सिटी है कि सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। नंबर 8 पर नाम आता है फूड। अगर इंडियन फूड को दोस्तों हम इस लिस्ट में शामिल ना करते फिर तो ये वीडियो पूरी तरह से यूजलेस, पूरी तरह से बेकार सी लगती। इंडियन फूड का रुतबा दोस्तों पूरी दुनिया में स्वाद के मामले में ना नंबर 1 पर है। इससे ज़्यादा कमाल का फूड आपको पूरी दुनिया में शायद कहीं पर भी खाने को नहीं मिलेगा। ये दोस्तों सिर्फ इंडियंस का कहना नहीं है बल्कि यूरोपियन लोगों का भी यही कहना है और अमेरिकन लोग भी अक्सर कई बार कहते हैं कि इंडियन फूड का स्वाद ना बेहद ही ज़्यादा अच्छा है, जिसके चलते अब तो गोरे लोग भी स्पाइसी खाना खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इंडियंस के जितना स्पाइसी खाना आज भी दोस्तों उन्हें पसंद नहीं आता। इंडिया में तो दोस्तों हर स्टेट के हिसाब से अलग दर्जे के फूड है। पंजाबियों का अपना अलग फूड, गुजराती लोगों का अपना अलग लेवल का फूड, हिमाचल वालों का अपना फूड, राजस्थान वालों का अपना फूड, ऐसे ही दोस्तों बेहद ही अच्छे अच्छे फूड आपको इंडिया में खाने को मिल जाएंगे। तो वहीं साउथ इंडियन वालों का अपना कमाल का स्वादिष्ट फूड। तो फ्रेंड्स अच्छा था, 7 जितने पॉइंट्स बताए सब करेक्ट हैं, और इसमें जो उन्होंने बताया कि स्ट्रीट फूड, डेफिनेटली स्ट्रीट फूड को कोई बीट नहीं कर सकता। मैं यूएसए से कंपेयर करूंगी बेसिकली। उसके बाद मेड्स जैसे बताई कि आपको हाउस हेल्प चाहिए, ड्राइवर, गार्डन करने के लिए माली, सब मतलब घर के लिए काम करने के लिए हर चीज के लिए आपको लोग मिल जाएंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन बुलाना है इलेक्ट्रिशियन बुला लो, कोई पानी की गड़बड़ है तो पानी की गड़बड़ के लिए किसी को बुला लो, बहुत सस्ते में आके वो आपके काम कर देते हैं। यहाँ पे तो बहुत मुश्किल होती है। बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही अपने आप ही हर चीज को ठीक करते हैं। और मुझे याद है जब हमने अपना वो कोलोराडो का घर खरीदा था तो हमारा जो लॉन था
शेयर करती हूँ, पीछे का वो खुद कराना पड़ा था हमें, तो वैसे ही हर घर में सबको अपने पीछे वाला करना था, तो हम लोगों ने तो स्पेशली लोगों को बुलाकर जो करते हैं उनको बुला के करवाया, पर हमारे साथ जो पीछे वाला घर था उसमें हस्बैंड वाइफ ने सारा लॉन खुद किया, मतलब घास खुद लगाई, पौधे लगाए, उसके लिए पानी के लिए जो सिस्टम होता है पूरी लगाने, पाइप पूप सब कुछ, एक से लेके फर्स्ट से लेके टेंथ तक उन्होंने सारा काम खुद किया, खुद पत्थर लेके आ रहे हैं अपनी ट्रक में, खुद सामान ला रहे हैं, खुद उतार रहे हैं, तो इतना डिफरेंस। और हम लोग इंडियन इंडिया वाले भैया, अब हमें क्या पता ऐसे सब कैसे करना है, हम तो वैसे पले हुए कि लोगों को बुलाया वो काम कर देते हैं, तो हमें भी वही काम करना पड़ा, पर हमने उनको देख के बहुत हैरान हुए थे कि उन्होंने सारा अपने आप किया था, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जो वहां पे है यूएसए में आपको हेल्प बहुत महंगी पड़ेगी जबकि इंडिया में सस्ती बहुत होती है, तो हर चीज जो इन्होंने बताई है बहुत ही करेक्ट है। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था, काफी बातें सही हैं, बहुत ही कि मैनुअल लेबर तो यूएस में काफी महंगी है, मेरे को पता नहीं है यूके का, मगर यूएस में काफी महंगी है और नॉर्मली लोग जो हैं खुद ही कार्य करते हैं अनलेस को बिलियनर है, बिलियनर है वो बात अलग है कि एक कैटेगरी अलग है वो बिलियनर की, उसमें तो आपने बहुत सारे एम्प्लॉय रखे होंगे अपने घर के लिए, वो बात अलग है, मतलब आपके 100 बंदा होगा घर में वो बात अलग है, मगर नॉर्मल जो इंसान है वो हर काम खुद ही करता है, मतलब उसकी बात नहीं, मतलब बहुत ही पढ़े लिखे इंसान सब जो है, मतलब आप कहीं अपर मिडिल क्लास भी जो है वो जो है सब काम खुद ही करती है, तो वो अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में एक बार ही किसी मेड को या क्लीनर को बुला सकते हैं अगर आपको इतना है। और यहाँ पे जैसे जो लोग रह रहे हैं उनको काम करने भी ज्यादा आते हैं क्योंकि बचपन से वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वो भी खुद काम कर रहे हैं, तो वो इन स्किल्स को सीख लेते हैं जा जाके, छोटे छोटे यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां जाइए आप सीख सकते हैं, कई लोग जो है गाड़ी ठीक करना भी सीख लेते हैं बस अपने शौक के लिए जाते हैं, एक साल लगा के आते हैं, उनको पूरी अपनी गाड़ियां आ जाते हैं, खुद ही अपनी गाड़ी को ठीक ठाक करते हैं, तो बहुत लोग हैं जो इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं कि खुद ही सारे काम कर पाए, तो वो सही था। हमारे पीछे जो काफी बड़ा लॉन था वो साथ वाले जो थे उन्होंने मेरे ख्याल से 1-2 महीने लगाए होंगे तब कंप्लीट किया था, मगर हमने किसी को बुलाया था वो 2 दिन में काम करके चला गया था, तो इतना बस फर्क था कि हमारा बंदा आया 2 दिन में, उसे फटोफट खत्म किया चला गया, 2 दिन में काम खत्म, वो लोग धीरे 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 जैसे उनको समय मिलता था सुबह काम करना शाम को ये करना अपना, तो हर इंसान वहां काम करता है, तो वहां पे सुबह वो अपने जॉब में जाते थे, जॉब से वापस आते थे, फिर वो काम करते थे, सैटरडे संडे काम करते थे, तो उनको सुबह से लगे रहते थे शाम, उनको 2 महीने लगे थे काम करने के लिए, हम लोगों के 2 दिन में हो गया था, मगर हमारा पैसा लगा था उनका आधा से भी कम लगा होगा पैसा, इतना मार्जिन होता है कि खुद करने में आधे से कम है और वहां पे डबल ट्रिपल हो जाता है, तो इतना फर्क था। तो काफी लोगों को बहुत चीजें खुद ही करनी आती थी, जैसे आप अपनी गाड़ी में ऑयल चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं यूएस में जो खुद ही ऑयल चेंज कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, तो वो ग्रेट बात है, मगर इसमें जो है इसमें मजे की बात ये थी स्ट्रीट फूड की, सिर्फ मुझे एक चीज है स्ट्रीट फूड में कि इंडिया में डेजिग्नेट कर देना चाहिए एरिया स्ट्रीट फूड के जहां पे ट्रैफिक ना आ सके, जहाँ पे गाड़ियां पाड़ियां ना आ सकें, और बहुत जगह पे ऐसा ऑलरेडी होगा इंडिया में, और एटलीस्ट मैंने कुछ कंट्रीज में देखा जहां पे आपको बोल देते हैं कि ये जो एरियाज हैं सिर्फ इसमें लोग चलेंगे, बस ये रोड है इस रोड में सिर्फ लोग चलेंगे और दोनों तरफ पूरी जबरदस्त स्ट्रीट मार्केट है, वो लोग वहां आते ही चलने के लिए खरीदारी कर रहे हैं, सामान खा रहे हैं, मगर ट्रैफिक उन रोड्स पे नहीं आता, तो उनको ब्लॉक कर देते हैं, वहां पे आगे 2-3 खंभे लगाते हैं, पीछे 2-3 खंभे लगाते हैं, बोलते हैं ये पूरा एरिया बाजार है, जैसे बाजार होता है उस बाजार में दुनिया बेच रही है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर ट्रैफिक नहीं आता, तो उसमें ज्यादा मजा आता है क्योंकि आप फिर आराम से अपनी शांति से पूरी शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रैफिक का कोई चक्कर नहीं, धूल मिट्टी कम है और खाना काफी अच्छा रहेगा क्योंकि पूरा एरिया उन्होंने ट्रैफिक से अलग किया होता है, तो वो मेरे ख्याल से करना चाहिए, अदरवाइज सारी बातें ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।